ये अगर ये ब्लॉग में आ गए मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगी। सब्सक्राइब तो हो चुके। Hey everyone, welcome back to the channel. This is RPJ and you are watching our 21st vlog. आज दिन की शुरुआत मैंने सीखने से करी। I was learning more about YouTube. I was learning more. मतलब बहुत सारी वीडियोस मैंने आज देखी। मैं देख रहा था कि व्लॉग की शुरुआत कैसे करते हैं लोग और जो ब्लॉगर्स हैं। और आई वॉज लर्निंग फ्राम यूट्यूब क्रिएटर अकेडमी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। हाउ टू रीच यू और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स हैं जिनको मैं देख रहा था। सो गेनिंग नॉलेज एंड लर्निंग एवरी डे इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज का हमारा ये जो टॉपिक है इसको मैं रखूँगा दैट यू शुड लर्न। लर्निंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप भी अपने घर पे हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ऑब्वियसली, बट जिस भी फील्ड में आप हैं यू शुड लर्न इट मोर एंड मोर। जब मैं इसमें फिटनेस में आया, मतलब आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर और लाइक दैट, बट जब मैं फिटनेस में आया था, जब मैं अपने आप को ठीक करने के लिए फिटनेस में आया था, तो आई लर्न अबाउट इट बहुत कुछ, बहुत लर्न किया था मैंने इसको। लो बाहर एपिसोड शुरू हो गया हमारा, देखता उसका एपिसोड। तो आई वाज सेइंग दैट अगर आप कुछ भी आप करते हैं उसमें अगर आप स्टक हो जाते हैं, वहाँ पर लर्न नहीं करते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो वी नीड टू लर्न, चाहे बहुत बड़े यूट्यूब वो कुछ भी बन गए, बहुत बड़े, रोज़ लर्न करना ज़रूरी है कुछ ना कुछ। तो आई बिलीव इन फ्यूचर हमारा चैनल बढ़ेगा और अच्छे से ग्रो करेगा और आप तक जो कुछ टाइम बाद इस वीडियो को देखेंगे पहुँच चुका होगा। सो टुडे आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन। और आज बड़े दिनों बाद मुझे, मतलब मैं किचन में आया हूँ, वरना आई यूज टू बी इन द किचन एवरी डे। आज मैं बनाऊंगा अंडे वाला पराठा। आई होप आप लोगों ने भी खाया होगा। लेट्स वॉच हाउ टू मेक अंडे वाला पराठा। फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा क्योंकि मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, आपको रेसिपी नहीं बताऊँगा। आप देखना फास्ट फॉरवर्ड में, अगर आपको समझ आता है क्या है रेसिपी, बना लेना, बहुत बढ़िया है। अंडे वाला पराठा इज रेडी टू ईट। तो आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा क्या हुआ। बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई। मैं गया था अपनी गाड़ी को नीचे पार्किंग से हटाने और उसके बाद जब आया, आई वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट, एज यू नो आपने देख लिया होगा, तो उसमें मैं मशहूर था उसको बनाने में। उसके बाद जो मैं खुद खाने बैठा, उसको मशहूर रह जाता कि लगा कि मेरा फोन वहीं रखा है, किचन में ही था। तो मैं जब खाने बैठा तो मैंने कहा मेरा फ़ोन देना यार, तो मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा भाई। उसके बाद ढूंढ मची फ़ोन की, ढूंढ मची तो घर में तो मिला नहीं, पूरा घर छान लिया पूरा। और कैसे मिला बताओ? मैं गाड़ी में भी देखने गया, गाड़ी में मेरे को नहीं मिला, मैं किसी और के घर भी चला गया ढूंढने कि हो सकता वो बंदा गलती से उठा करके ले गया हो, वहाँ पर भी नहीं मिला। बड़ा एम्बेरसिंग था वो वाला मोमेंट। फिर मेरी बीवी ने कुछ किया, क्या किया, जादू किया इसने, एक जादू, क्या जादू था बता? कोई जादू नहीं किया, दिस इज कॉमन सेंस। जब आपके पास एंड्रॉइड फोन या कोई भी फोन होता है उसका फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन होता है, तो वेन यू ऑपरेट इट थ्रू योर लैपटॉप या किसी के भी फोन से आप करते हो और अपना वही वाला आईडी डालकर आप उसको लिंक करते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका आईडी खुला होता है ना आपके फोन पर, तो वो आपका फ़ोन का वेयर अबाउट्स बता देता है कि वो कहाँ पर है, कैसे है। अगर आपका फ़ोन ऑफ भी होगा तो आप उस पर रिंगर ऑन करेंगे तो वो ऑफ में भी ऑन होकर रिंग फुल वॉल्यूम में बजाएगा, तो वो कहीं पर भी पड़ा हो, कितने भी कोने में पड़ा हो, कहीं पे भी बंद भी हो, वो तब भी मिल जाएगा। और वो मिला
गाड़ी में, वो ऐसी जगह मिला जहाँ पर हम बैठते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी ये वीडियो देख लो आप। ये वाली जगह थी जहाँ मेरा फोन गायब हो गया था। गाड़ी में कहाँ मिला, जहाँ पर मैं बैठता हूँ उसी के बिल्कुल इस साइड में वहाँ पे गिर गया। पता नहीं कैसे मेरे निकल से फोन गिर गया और पता भी नहीं चला। और इस काम को करते करते पौना घंटा हो गया, फोन ढूंढते ढूंढते घरों में इधर उधर जाके फोन मिला कहाँ, गाड़ी में। वो है ना कहावत, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, वही वाली बात आज हो गई। अपनी चीज़ों के हम रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं, इस बात को बड़ा ध्यान रखना। मैंने आज इस बात को जाना है। और थैंक्स टू माय बीवी एंड माय बहन, वो अंदर सो गई फिर से, आई थिंक ज़्यादा पराठा खा लिया जिसने, सो गई ना, जबरदस्ती सो गई। देखो कह रही हूँ जबरदस्ती सो गई। क्या होगा इन बच्चों का, सो के दुनिया सुलाती है लॉकडाउन। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेरे भाई के घर, मेरे भाई का, इसके भाई के घर जा रहे हैं। लोग जा रहे हैं माई का, ये जा रही है भाई का। तो आज मैं इसको पटक के आऊंगा इसके भाई के घर, छोड़ के आऊंगा। दो दिन रहूंगा मैं अपना अकेले घर में, मजे में पार्टी करेंगे आप और मैं। हाँ हाँ, मेरी बहन भी होगी, इसको तो कमरे में बंद कर दूंगा मैं, अपना बाहर रहूंगा अकेले, हम लोग पार्टी करेंगे। पता नहीं मैं क्या तुम्हारे जी का जंजाल बन जाती हूँ कि तुम ऐसे ये मेरे जी फील करते हो। कौन सी जी का, जी का जंजाल, जंजाल वो क्या होता है, ट्रैप अराउंड योर नेक, ट्रैप अराउंड माय नेक, शी इज अ ट्रैप अराउंड माय नेक। आज का टॉपिक ये भी डाल सकता था पर मैं नहीं डालूंगा। शी इज गोइंग नाउ, बड़ा चलो नहीं यार, ऐसे भी अच्छा नहीं, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब ये जाती है। नहीं ठीक है, जल्दी आ जाइए ना, चले फिर। ओके चलो, ओके देखा था ना ये पोएम बनाती है, ऐसी पोएम बनाती है बचपन से मम्मी ने कराया। तो अभी हम हैं साक्षी के भाई के घर पे और उनकी एक बेटी है जो बड़ा एंटरटेन करके रखती है इन लोगों को। अभी अभी देखो वो क्या कर रही है। बेबी कमर में क्या हो गया? अब मैं पूरे मजे ले रहा हूँ झूले के। ये देखो कहाँ चढ़ रही है, ये देखो करतब देखो इस लड़की के। देख रहे हो इसके करतब, देखो ये बनेगी अच्छी ट्रैवलर, एडवेंचर ट्रैवलर। आज हो रही है यहाँ पे पार्टी, पार्टी में है तंदूरी मोमोज, बिना तंदूर के बने घर में, बिना तंदूर के ना। तो जिसने बनाए हैं वो बहुत जल्द अपना फूड ब्लॉग शुरू करने, ये बार बार मैं हर वीडियो में बोलूँ ताकि उनका, हाँ बेटा तू भी बोल, ताकि इनके फूड ब्लॉग शुरू हो। जैसे शुरू होंगे हम सारे और एक कोलैबोरेट वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये है आज के तंदूरी मोमोज। अब बनाने वाला कैसे हैं बताना कमेंट करके, देखने में तो अच्छे लगेंगे। खिला दूँ, कल जैसे चाय पिलाई थी, हेलो फ्रेंड्स मोमोज खा लो। ये हैं बनाने वाले, 2 रुपए के मोमोज। मेरी सासू माँ कुछ कहना चाह रही, क्या कहना चाह रहे हो भी बोलो। हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो रात के बजने वाले हैं 12 एंड आई हैव जस्ट रीच होम आफ्टर अ लॉन्ग डे, अगेन वी हैव एंड दिस डे, है ना। कितनी अच्छी बात है ना, सब कुछ अच्छे से निकल जाता है हमारी लाइफ में, सब कुछ अच्छे से होता है हमारी लाइफ में। वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। आई गिव थैंक्स टू द लॉर्ड दैट आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, आई होप आपका भी बहुत अच्छा गया होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा, आज हमने वीडियो की शुरुआत ही ऐसे करी थी कि लर्निंग इज एन एवरी डे प्रोसेस, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमें सीखना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सो लर्न व्हाटएवर यू कैन इन योर फील्ड, आउट ऑफ योर फील्ड, कैसे भी कुछ ना कुछ सीखें ताकि हम और बेहतर हो सकें। सो अगेन लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज योर लव इज ऑल वी नीड। गॉड ब्लेस यू।
टेक केयर, बाय। व्लॉग बना रहे? व्लॉग, अच्छा ऐसे, ठीक, व्लॉग बनाओ।